देहरादून में यूथ कांग्रेस ने किया विधानसभा घेराव। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व बीबीसी श्रीनिवास के नेतृत्व में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से विधानसभा तक पैदल कूच। जिला उपाध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ उत्तरकाशी सोबत राणा सहित कई नेताओं को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लिया हिरासत में। ओबीसी प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष उत्तरकाशी सोबत राणा ने बताया कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण यूथ कांग्रेस को आज विधानसभा कुछ करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए किसान बिल किसान विरोधी है व पूंजीपतियों के हित में है। महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है, गरीब मर रहा है व सरकार बंसी बजा रही है। उन्होंने कहा कि वे गरीबों व किसानों के हित में लड़ रहे हैं और कहा कि पुलिस ने हमें हिरासत में लेने के बाद छोड़ना नहीं था, अपितु न्याय के लिए लड़ने के जुर्म में जेल भेजना चाहिए था। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल भी जाना पड़े तो वे उसके लिए भी तैयार हैं।